हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फोटो सिग्नेचर तथा सर्टिफिकेट्स को आप लोग परफेक्ट रिसाइज कैसे करेंगे, वो भी मोबाइल फ़ोन के द्वारा। दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने में जितना साइज मांगा जा रहा है उतना ही साइज में आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पे प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। यहां पे आप गूगल सर्च में जाके क्यू रिड्यूस लाइट करके टाइप करेंगे और कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ डायरेक्ट मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आके यहाँ पर आपको देखिए आपका ये एप्लीकेशन दिख रहा है। अब यहाँ पर चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और आप अपने जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे हैं उस लोकेशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ मेरा ब्लूटूथ फोल्डर में डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। फ़ोटो सिग्नेचर फोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो का साइज़ देखिए यहाँ 529 KB है। यहाँ पे 22 KB करने वाला हूँ इस फ़ोटो को। तो यहाँ 22 KB करके स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, तकरीबन 10 से 15 सेकेंड। उसके बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 KB के आसपास आपकी फ़ोटो हो चुकी है। तो यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ बैक स्पेस पे क्लिक करके अब हम लोग सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो वहीं पे चलेंगे और सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिग्नेचर आ चुका है। सिग्नेचर को हम लोग देखिए यहाँ 417 KB की फाइल है जो कि हमको 12 KB में करना है। तो यहाँ 12 टाइप कर देंगे। 12 टाइप करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे 11.99 KB में ये फाइल हो चुकी है। यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, ये फाइल भी आपकी सेव हो गई है। उसके बाद हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक का मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 MB की ये फाइल है। यहाँ पे हम लोग 180 KB करने वाले हैं क्योंकि फॉर्म भरने में 180 KB के आसपास मांगा जाता है। तो यहाँ पे 180 डाल के यहाँ स्टार्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे 177.31 KB हो चुकी है। अब आप सेव पे क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट पे जिसको हम लोग रिसाइज किए हैं। तो गैलरी ओपन करते हैं और यहाँ देखिए ये हमारा ओरिजिनल फोल्डर है और ये जो है हमारा रिसाइज फोल्डर है क्यू रिड्यूस लाइट करके। इसे हम लोग ओपन करेंगे और बारी बारी से इसकी साइज को चेक करेंगे। तो ऊपर पे जो 3 डॉट दिख रहा है, डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ देखिए 177.42 KB है। उसके बाद इसका लोकेशन भी देख सकते हैं। ये इंटरनल मेमोरी में क्यू रिड्यूस लाइट करके एक फोल्डर होगा, वहाँ पर जाके आप इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फोटो सिग्नेचर की ओर। तो यहाँ सिग्नेचर के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ देखिए 12 KB है। उसके बाद फ़ोटो पे चलते हैं, फ़ोटो के डिटेल्स पे चलते हैं और यहाँ देखिए 20 KB के आसपास हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट की साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।